Magyan Vidandarshi, Yanandar Shalakaya, Chakshur Militam Yetasmai Shri Gurve Nama, Gurve Gora Chandra Radhika Iskalalai, Krishna Krishna Bhattai Tadbhattai Namo Nama. Jatindra ko ego ka kar do kar. Vancha Tanta Karu Vesha Kripa Sindhu Vaidevaja Adidana Pavane Vyo Vesha Vyo Namo Nama. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadavar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvatam Diksha Guru Bhattam Nityananda Pravishnu Vishnu Kaja Shrutashat Shri Shiva Shila Bhakti Vedan Shila Narayan Goswami Maharaj Ke Charno Mein Anant Koti Dandar Pranam Karte Hue Unse Hetu Ki Kripa Ki Vancha Karta Hu समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाशी और भक्ति विराम श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में जैसा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। कार्तिक का समय था, यमुना के तट पे हम लोग बैठे हैं। पीछे ही हमारा गोपीनाथ भवन है। वहां पे गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात बोली थी। गुरुदेव ने बोला था कि तुम लोग अभी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? गुरु जी बोले, भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है कि तुम्हें वृंदावन का वास मिल गया है। सब लोग परिक्रमा करने आए थे, तब गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर राधा जी की गुरु वैष्णव की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि तुम्हें कहां पे वास मिल गया है? वृंदावन का वास मिल गया है। पीछे ही क्या है? सेवा कुंज है, इधर कुंडली कला है, इधर श्रृंगार भट है। ये सारी लीला स्थलियां जहां पे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें यहाँ पे वास मिल गया है। लेकिन तुम लोग इसको समझोगे नहीं। गुरु जी बोले, नहीं समझोगे? बोले, मैं बार बार बोलूंगा तभी समझोगे नहीं? कोटि कोटि जन्मों के बाद जाके आज ऐसा सौभाग्य हुआ है कि तुम्हें हरि गुरु वैष्णव के संग में वृंदावन में यमुना के संग में तट पे वास मिला है। वास्तविक में गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग आज राशि को उसमें इन सारे स्थानों पे जा रहे हैं। और जा भी कैसे रहे हैं? गुरुदेव जिस भाव को इस जगत में देने के लिए आए थे, उनके सारे भावों को श्रवण करते हुए जा रहे हैं। ये जो स्थान है श्रृंगार भट्ट, इसकी बड़ी ही सुंदर कथा आती है। इसके पीछे स्थान है बंशी भट्ट, जहाँ पे भगवान का रास हुआ था। जो हमारा रूप सनातन गौड़िया भट्ट है, जब हम गए थे आपने देखा होगा, तीन गलियां मिल रही है। एक है कुंज गली, चार गलियां मिल रही है। एक है कुंज गली जो की कहाँ पे गई है? सेवा कुंज को गई है। एक मान गली जहाँ से राधा जी मान करके गई है सामने मान सरोवर में। तो ये जो पीछे बंशी भट्ट है, वहां पे भगवान का रास हुआ था। जब भगवान बंशी भट्ट में रास कर रहे थे, जितनी भी गोपियों के साथ जब कृष्ण रास कर रहे थे, तो सब गोपियां क्या कह रही है कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। लेकिन कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों के साथ रास करने के लिए 100 करोड़ रूप धारण किए थे। लेकिन नहीं, 100 करोड़ रूप धारण नहीं किए थे। जैसे एक उदाहरण दिया हमारे शिला विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर पाद जी ने, आप अपने हाथ में एक मानो जलती हुई रस्सी लो, अब रस्सी को गोल घुमाओगे तो क्या दिखेगा? चारों तरफ गोल गोल दिखेगा ना, आपका गोला। उसी प्रकार भगवान कृष्ण इतनी तीव्र गति से 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे थे कि सब गोपियों को लग रहा था कृष्ण किसके साथ है? मेरे साथ है। अब कई लोग कहते हैं ना, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर लीला। तो भाई, उन्होंने 100 करोड़ गोपियों के साथ अकेले रास किया था। इस जगत में क्या कोई व्यक्ति दो पत्नी के साथ एक समय रह सकता है? अगर एक को साथ में जीवन बीत गया ना, तो गंगा में नहा लिया है। हम लोग ने शादी किए हो, देखो एक समय देखना, जब लड़की शादी करके अपना ससुर घर जाती है ना, बहुत रोती है, कितने रोती है। परिवार वाले समझाते, भैया रो मत, बीच बीच हम आ जाएंगे, तुम भी आ जाए करना। लेकिन उसको रोना बंद ही नहीं हो रही थी। इतने में उसने पत्नी कहा, क्यों इतना रो रहे हो, चुप हो। वो क्या कहती है, जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, अभी जिंदगी भर तू रो। तो वहां पे क्या हुआ, जितनी भी गोपियां हैं सब सोच रही कि कृष्ण तो केवल मेरे साथ है। इसलिए जितनी भी गोपियां थी वहां पे, उनको क्या हुआ, वहां पे उनको सौभाग्यमद हो गया। सौभाग्यमद का अर्थ है कि उनको मद हो गया किस चीज का, कि मैं कितनी सौभाग्यवान हूँ कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन राधा जी ने देखा कृष्ण तो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े छलिया है, सारी गोपियों को छल रहे हैं, और सारी गोपियां क्या सोच रही, कृष्ण केवल मेरे साथ है। लेकिन क्या कभी राधा जी को छल सकते हैं कृष्ण? उनके सामने उनकी चतुराई चलेगी नहीं। तो राधा जी समझ गई कि तो सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और सब गोपियां सोच रही कि केवल मेरे साथ है। तो राधा जी को वहां पे मान हो गया। राधा जी को क्या हो गया?
बाहर, और बाकी गोपियों को क्या हुआ था? सौभाग्य मद, यानी कि बाकी गोपियों को मद हो गया और राधा जी को मान हो गया। अब राधा जी जब मान करके रास लीला को छोड़ के चली गई तो शीला भक्ति मनो ठाकुर जी कहते हैं, तू बिना कहां रास रे, तू लागी मोर ब्रज वास रे। कृष्ण क्या कहते हैं, अरे राधा जी तेरे बिना मैं कैसे रास कर सकता हूँ, तेरे लिए तो मैं ब्रज में वास करता हूँ। तो राधा जी ने भी क्या किया, शत कोटि गोपी माधव मन राखी तेरा पारी लो करी यतन। 100 करोड़ गोपियां मिलके भी माधव के मन को नहीं रख पाई। देखो 100 करोड़ गोपियां भी मिलके कृष्ण के मन को नहीं रख पाई और कृष्ण उस रास को छोड़ के चले गए राधा जी के पीछे पीछे। जब राधा जी के पीछे पीछे आ गए तो राधा जी का जो ठाकुर जी ने क्या किया, राधा जी का इसी स्थान पे आकर उनका श्रृंगार किया, जिसलिए इसका नाम है श्रृंगार वर्ण। आप देखो ये वर्ण वृक्ष है, सामने एक पेंटिंग बनी हुई है चित्र, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ पे राधा जी का कृष्ण ने श्रृंगार किया। अब प्रश्न है, जब राधा जी कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे तो यहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। तो राधा जी के लिए जब कृष्ण उस पुष्प का चयन कर रहे हैं, तो पुष्प का चयन करने के बाद राधा जी का जब श्रृंगार कर रहे थे, उतने में ही सारी गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण को ढूंढ भी रही है, क्योंकि कृष्ण रास छोड़ के चले गए। तो जैसे ही गोपियां बिल्कुल इस स्थान के पास में आई तो राधा जी ने कृष्ण को बोला, कृष्ण अब मैं और चल नहीं सकती, अब तुम क्या करो, मुझे अपने कंधे पे चढ़ा दो। और उतने में ही कृष्ण ने क्या किया, हाँ किशोरी तुम चल नहीं सकती तो मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, और इतना ही बोल के कृष्ण भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सारी गोपियों को तो पहले कृष्ण छोड़ चुके हैं, अब किसको छोड़ दिया, राधा जी को भी छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे राधा जी बहुत विलाप करने लगी। अब राधा जी की विलाप की ध्वनि सुन के जितनी भी आसपास गोपियां थी सब यहाँ पे आके एकत्रित हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कृष्ण राधा जी को छोड़ के गए क्यों, इसके लिए हमारे गुरु जी ने एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसका नाम है प्रेम संपुट। ये प्रेम संपुट क्या है, कृष्ण अब दोषी ठहरा, कृष्ण क्या हो गए, सबकी नजर में दोषी हो गए ना, कि राधा जी को भी क्या किया, छोड़ के चले गए। पहले तो जब राधा जी ने मान किया, आप राधा जी के पीछे पीछे जा रहे हो, अब राधा जी के पीछे पीछे जब जा रहे हो तो राधा जी का श्रृंगार करके बीच में छोड़ के चले गए, तो कृष्ण तो दोषी हो गए या नहीं हुए, दोषी हो गए। तो एक बार कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण एक सखी का रूप धारण करके आए राधा जी के कुंज में, और राधा जी को बोलते हैं कि मैं स्वर्ग की एक अप्सरा आई हूँ, मेरा नाम है श्यामा सखी, और मैं राधा जी के दर्शन करने आई हूँ। जब राधा जी का दर्शन किया तो राधा जी देखती है कि कितनी सुंदर सखी है, क्योंकि कृष्ण तो बहुत सुंदर है, और राधा जी के मन को क्या करते हैं, हर लेते हैं, और अब सखी बन गए तो राधा जी का मन अपने आप उनके पास हरा जा रहा है। तो बोले कि देख राधे, मैंने तेरे बहुत गुण सुने हैं और मैंने कृष्ण के भी बहुत गुण सुने हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रज में वास कर रही थी कि मैं देखूं तो सही, जो मैंने तेरे गुण सुने और कृष्ण के गुण सुने हैं, क्या वो ठीक सुने हैं, गलत तो नहीं सुने। लेकिन मैंने ब्रज में वास करके देखा कि राधा जो मैंने तेरे गुण सुने हैं वो तो 100% सही सुने हैं, लेकिन कृष्ण के जितने भी गुण सुने हैं जब मैंने आके प्रत्यक्ष देखा तो सब झूठ बोलते हैं, सारे साधु शास्त्र सब झूठ बोलते हैं। अरे कृष्ण जैसा कोई लंपट हो सकता है क्या, ये कौन बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं राधा जी को सखी बन के, अरे कृष्ण जैसा कोई लंपट हो सकता है क्या, देख राधे तूने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तेरे प्रेम की कितनी महिमा है, लेकिन वो कृष्ण तुझे क्या करके चले गए, इसी श्रृंगार वट पे देखो छोड़ के अकेले चले गए। इसलिए कृष्ण बहुत कामुक है, सब गोपियों के पास जाते हैं, काले हैं, उनका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। जब कृष्ण ऐसे बोलने लगे तो राधा जी को क्रोध आ गया, राधा जी बोली चुप, तूने कुछ नहीं देखा अभी मेरे कृष्ण को, मेरे कृष्ण कैसे, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता तू देवलोक की रहने वाली प्रेम क्या होता है, प्रेम तो वही जानता है जो कहां पे रहता है, इस वृंदावन में आता है। तो राधा जी बोली कि देख मैं देखो प्रेम की शिक्षा देती हूँ, प्रेम होता क्या पहले इसको तो समझ। तो राधा जी ने वहां पे 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण राधा जी ने दिया कि देखो ये जो प्रेम है ये प्रेम कैसा है, यद्यपि ध्वंस कारणे, कि प्रेम ध्वंस होने के बहुत सारे कारण है कि प्रेम ध्वंस होने वाला है, लेकिन तब भी प्रेम ध्वंस होता नहीं है, प्रेम और बढ़ जाता है। क्या इस जगत में संभव है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, तलाक का भी खत्म हो जाता है, लेकिन बताया जो शुद्ध प्रेम है वो कभी ध्वंस नहीं होता, ध्वंस का कारण आने पर भी क्या होता है, वो प्रेम बढ़ जाता है। तो देखो इसके लिए राधा जी ने प्रेम का एक उदाहरण दिया, क्या सबसे पहले राधा जी ने बोला कि जो प्रेम है ये अनर्वचनीय है, इसको कोई भी वचन से व्यक्त कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या उदाहरण दिया, जैसे एक सिंह होता है, सिंह क्या करता है, हाथी का शिकार करता है, सिंह हाथी का शिकार करने के बाद क्या, हाथी को तो मार दिया ना, लेकिन मरे हुए हाथी से फिर खुद पुष्ट होता है, यानी कि उसका शिकार करके उसको खा के खुद पुष्ट होता है। उसी प्रकार से प्रेम में जितनी विघ्न बाधाएं आती है, जितनी विघ्न बाधाएं प्रेम में आती है उतना प्रेम क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे इस जगत में देखो एक भौतिक उदाहरण, लड़का लड़की को मिलना है, अभी शादी नहीं हुई,
और बहुत विघ्न बाधाएं आ रही है, कहां पे मिले, कैसे मिले, छुपके मिले। अब जितनी विघ्न बाधाएं आती है उतना जब मिलते हैं तो उतना मिलन में आनंद होता है या नहीं होता? अब मानो दोनों की लव मैरिज होगी, शादी हो गई, अब क्या छुप छुप के मिलेंगे? अब तो छुप के मिलेंगे नहीं, पहले छुप के मिलते थे। तो उसी प्रकार से बताया जो प्रेम है, इस प्रेम में जितनी विघ्न बाधाएं आती है उतना ही प्रेम क्या होता है, बढ़ जाता है। राधा जी ने देखो क्या समझाया उनको, राधा जी बोले देख, कृष्ण को बोल रहे हैं, देख जब मैं यहाँ पे आई थी, जब राधा जी यहाँ पे आई थी और कृष्ण उनको क्या कर रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे, वहीं पे राधा जी के मन में एक भाव आया, राधा जी के मन में एक भाव आया कि 100 करोड़ गोपियां सब तो कृष्ण से रास करना चाहती थी और मैंने क्या किया, मैं कृष्ण को अकेले लेके आ गई और वो सारी गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण के लिए विलाप कर रही है। तो राधा जी जब कृष्ण के साथ थी तभी राधा जी का मन बहुत दुखी हो रहा था, किनके लिए, उन 100 करोड़ गोपियों के लिए। तो कृष्ण राधा जी के मन के भाव को जान गए, अच्छी तरह समझना, कृष्ण राधा जी के मन को भाव मन के भाव को जान गए कि राधा जी मेरे साथ अकेले रास नहीं करना चाहती, किनके साथ करना चाहती है, 100 करोड़ गोपियों के साथ। क्यों? क्योंकि राधा जी ने कृष्ण से एक वर मांगा था कि मैं चाहती हूँ कि केवल आप मेरे साथ नहीं, ब्रज की जितनी गोपियां हैं आप सबके साथ एक महारास करो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, महारास, जो शरदीय पूर्णिमा में अभी आएगा। तो वहां पे कृष्ण देख रहे हैं कि राधा जी तो मेरे साथ रहती भी दुखी है क्योंकि उनको उन 100 करोड़ गोपियों का चिंतन हो रहा है। अब उतने में ही गोपियां अगर यहाँ पे आके देखेंगी कि मैं कृष्ण और राधा जी हम साथ में है, तो वो सारी गोपियां राधा जी के साथ क्या करेंगी, राधा जी से थोड़ा द्वेष कर लेगी कि देखो हम सब गोपियों को छोड़ के कृष्ण को अकेले ले गए, तो आपस में दोनों का मन क्या हो जाएगा, दोनों के मन में संभाव रहेगा नहीं। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने देखा कि अभी मैं यहां से अगर अंतर ध्यान हो जाता हूँ, राधा जी बता रही है कृष्ण को कि अगर मैं यहाँ से अभी अंतर ध्यान हो जाता हूँ तो उससे क्या होगा कि जब सब गोपियां यहाँ पे आएंगी राधा जी को देखेंगी और राधा जी मेरे विरह में जितना विलाप करेंगी उतना कोई और गोपी नहीं कर सकती, क्योंकि जब कृष्ण का विरह राधा जी को होता है तो सारी गोपियों का जो विरह है एक बूंद के समान है और राधा जी का जो विरह है पूरा एक सागर के समान है। तो सारी गोपियां जब राधा जी के विरह को देखती है तो वो अपना विरह भूल के राधा जी के विरह में ही क्या होती है, भावित हो जाती है और राधा जी को समझाती है कि हाँ हाँ कृष्ण आ जाएंगे, राधा जी की सेवा करने लगती है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने मन ही मन में विचार किया अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखो दो काम एक साथ हो जाएंगे, क्या कि सारी गोपियां आके जब राधा जी को देखेंगी तो राधा जी के विरह को देख के सारी गोपियां क्या करेंगी, राधा जी को सांत्वना देंगी और इन सबका संभाव हो जाएगा और राधा जी की जो इच्छा है कि हम सब मिलके रास करें वो भी हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो उस समय गोपियों को सौभाग्य मत हो गया था कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, उनके मन को पहले मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि भगवान कभी भी भक्त के हृदय में मत नहीं देख सकते, मत मतलब समझते हो, मत क्या होता है, अहंकार। इस जगत में 4 प्रकार की मत है, कौन कौन सा देखो, एक तो होता है जो मदिरा पी रात को सुबह उतर गई, वो तो बहुत छोटा मत है, लेकिन 4 सबसे बड़े मत कौन से जो पूरा जीवन नहीं उतरते, सबसे पहला रूप का मत है, कौन सा, रूप का मतलब मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदरी हूँ। जो इस जगत में स्त्री अपने आपको सुंदरी बोलती है, भागवत के अनुसार तो सुंदरी नहीं, वो बंदरी है, क्या है, बंदरी, क्योंकि इस जगत में कोई सुंदर पुरुष स्त्री है ही नहीं, क्योंकि अगर इस चमड़े को डालो तो अंदर क्या है, क्या है, अंदर मांस। और देखो लोग कैसे हैं, राधा गोविंद जी के सामने आके भगवान की फोटो खींच के अपनी सेल्फी लेते हैं, जो वृंदावन में आके अपनी सेल्फी ले रहे हैं उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ, यहाँ पे किसकी फोटो लेनी चाहिए, ब्रज की लो, यमुना जी की लो, अपनी ले रहे हो, ये शरीर क्या है, ये शरीर तो ब्रिटिश साहब की थैली है। तो बताया अगर किसी को अच्छा रूप मिल गया तो पूरा जीवन उसका मत क्या रहता है, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ। दूसरा मत होता है धन का, कि मैं बहुत धनी हूँ, ये भी पूरा जीवन नहीं जाता। तीसरा होता है अच्छे कुल का और चौथा अच्छी विद्या का, लेकिन जब तक ये मत रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, सब गोपियों के मत को भी चूर करना है, तो वहां पे सारी गोपियां जब यहाँ पे एकत्रित होती है उसके बाद सारी गोपियों ने मिलके फिर कृष्ण के लिए विरह में एक गीत गाया जिसको क्या बोलते हैं, गोपी गीत, और भगवान ने गोपियों के प्रेम को प्रकाशित कर रहा था। प्रेम तब तक प्रकाशित नहीं होता जब तक विरह नहीं होता, प्रेम कब प्रकाशित होता है, मिलन में कभी नहीं होता, विरह में होता है। हमने अपने सामने जयपुर में देखा एक व्यक्ति, उसका अभी पत्नी का मृत्यु हो गया, अभी चौथा था उसका, 4 दिन हुए थे, 4 दिन में दूसरी शादी कर ली, और जिस दिन पत्नी की मृत्यु हुई थी उसे बहुत रो रहा था, तो वो उसका प्रेम था या नकली था, नकली तो था। अब प्रेम प्रकाशित होना चाहिए ना, 4 दिन भी हुए दूसरी शादी कर ली। तो इस जगत में भी देखना प्रेम कब प्रकाशित होता है, जब विरह होता है। तो गोपियों का प्रेम भगवान ने प्रकाशित करना था, तो भगवान ने गोपियों के प्रेम को प्रकाशित किया किसके माध्यम से, गोपी गीत के माध्यम से, इसलिए स्थान का नाम है श्रृंगार वट। और गोपियां जो है जब राधा जी का श्रृंगार करती है, हमारे ग्रंथों में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है हमारे शिला विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर जी ने, जब गोपियों का एक दूसरा श्रृंगार करती है तो क्या करती है,
जैसे मानो एक गोपी राधा जी के नयनों में काजल लगा रही है, काजल लगा के बोलती है अरे, क्योंकि वहां पे हर वस्तु चिन्मय है, तो नयन बोलते हैं राधा जी के नयन बोलते हैं अरे राधा जी को तो तुमने हर जगह हीरे मोती जवाहरात बनाए, अब जो मेरी नयन है नयन में तुम काला काला क्यों लगा रहे हो, नयन में भी तो क्या लगाना चाहिए, कुछ अच्छा श्रृंगार करो। तो ललिता जी राधा जी को बोलती है देखो हम तुम्हारे नयन पे काला रंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारे नयन है ना वो काले के पीछे भागते हैं, उसको काली वस्तु बहुत पसंद है इसलिए हम काजल लगा रहे हैं। फिर जब राधा जी के चरणों में आलता लगाती है ललिता जी, उनका श्रृंगार करती है, जब चरणों में आलता लगाती है तो आलता बोलता है अरे तुमने मेरे को राधा जी के चरणों में स्थान दिया, बाकी सब भूषणों को कहां पे स्थान दिया, राधा जी के ऊपर स्थान दिया। तो ललिता जी उसको बोलती है आलता को, आलता तू कितना सौभाग्य वाला, सोच कि आज तू राधा जी के चरणों में लग रहा है, जब तू कुंज में जाएगा तो कहां पे लगेगा, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पे लगेगा, क्योंकि भगवान क्या करते हैं राधा जी के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। इस प्रकार से गोपियां बड़ा ही सुंदर राधा जी का श्रृंगार करती है। लेकिन प्रश्न है हम यहाँ पे मांगे क्या, इस स्थान पे आके हमें मांगना क्या है। हमारे श्रील भक्ति गुरु ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा है, उस कीर्तन में श्रील भक्ति गुरु ठाकुर जी कहते हैं कि देखो हमारी अभी स्थिति कैसी है, ये तो उस निकुंज की बातें हो गई है, देखे तो सही शीशा हमारी स्थिति कैसी है, जिसके अंदर श्रील भक्ति गुरु ठाकुर जी कीर्तन गाते हैं अमर जीवन सदा पापे रत किछु नाहि पुण्य लेश, कह रहे हमारा जीवन कैसे है सदा पापे रत, हमारे अंदर कोई भी पुण्य नहीं है, क्या सदा गर्भ विभूषण, कह रहे हैं श्रील भक्ति गुरु ठाकुर जी हम सब लोगों ने एक विभूषण धारण किया हुआ है, विभूषण कौन सा, हिंसा हिंसा गर्भ हिंसा गर्भ विभूषण, हमने कौन सा विभूषण धारण किया हुआ है, हिंसा यानी कि दूसरों को कष्ट देना, और गर्भ विभूषण की मैं बहुत अहंकार का विभूषण धारण किया हुआ है। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये सारे अहंकार निंदा पर चर्चा ये सारी रहेगी तब तक हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, इसलिए इस स्थान पे आके हम क्या करें, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि हर स्थान में जाके हमने क्या करना है, हमने भिक्षा मांगनी है, भिक्षा मांग समझते हो, भीख मांगते हैं, तो हमने हर स्थल में जाकर के भिक्षा मांगनी है, यहाँ की जो रेणु है उससे, यहाँ की जो लीला स्थली है, यहाँ पे जो ब्रजवासी है, यहाँ पे जो वटवृक्ष है, जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ पे जो यमुना जी है, हर स्थान में स्थान स्थान में जाके भिक्षा मांगनी है। क्या भिक्षा मांगनी है, इसके लिए श्रील भक्ति गुरु ठाकुर जी बड़ा सुंदर कीर्तन कहते हैं, क्या भिक्षा मांगनी है, ए देह अंतिमा काले राखी बोशी जमुना जले, जय राधा गोविंद बोले भासी गो गो, कह रहे ये भिक्षा मांगनी है, क्या कहते हैं, ए देह अंतिम काले राखी बोशी यमुना जले, कि जब मेरे जीवन का अंत आएगा इस शरीर को मैं कहां पे रखूंगा, यमुना के तट पे रखूंगा, जय राधा गोविंद बोले भासी को गो, और जब इस जगत से जाऊंगा तो एक शब्द बोल के जाऊंगा जय राधा गोविंद, यही हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं नीता एक और प्रेमानंदे हरे कृष्णा। देखो हमारी परिक्रमा हम लोग ने कोई 84 परिक्रमा कुछ कुछ लोग करवाते हैं साथ ही निकलते हैं, कौन कौन इसको पहले गए हो हाथ उठा, कौन कौन इसको पहले, कौन कौन और लोगों को साथ में ये 84 क्रॉस परिक्रमा में कौन कौन गए हाथ उठा, कौन कौन गए हाथ उठा, कोई हाथ नहीं। देखो हमारी हमारे जो गढ़ी गुरुदेव कहते जो धाम है ना आंखों से नहीं देखनी चाहिए, किसे देखनी चाहिए, कानों में देखनी चाहिए। अक्सर करके जितने परिक्रमा भी बहुत बार गए इधर उधर गए, देखो चलो गए देखो चलो, कोई कथा पता कुछ नहीं, कोई कथा पता कुछ नहीं, जब तक कथा नहीं सुनेंगे ना यहाँ पर क्या कहते हैं नाली बह रही, यहाँ पर तो कोई टूटे फूटे हुए ठहरे, आंखों से देखेगा ना यही चीज देखोगे। एक समय बंगाल से कुछ लोग आए बड़े भाव लेकर के आए, यमुना बह रही है, कृष्ण कैसे गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं, कैसे बंसरी बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब गलियों में गए ना सूर्या कैसे टाटी पेशाब कर रहे हैं, इतने बदबू मार रहा था, बोले यही वृंदावन है, हम तो बड़े भाव लेकर के आए थे, लेकिन मैंने उनका दर्शन करने के लिए ले गया। जब मैंने यहाँ की कथा सुनाई इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए बाबा, अगर हम आप नहीं मिलते ना हम सोचते दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गंदा तो वृंदावन, दूसरे जगह में गए होंगे देखे नहीं है, यहाँ पर जैसे नाली सामने बह रही और कहीं बह रही ना सोरिया कुतिया जैसे डूब रही, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे आंखों से धाम मत देखो, किससे देखो कानों से देखो, इसकी महिमा को सुनो है तब धाम की महिमा हमें तभी पता चलेगा। भाई प्रभु जी कितने मीठी मीठी कथा सुनाया करते थे, आपने कभी ऐसी कथा सुनी हो,
बोलो कभी सुने हो? नहीं सुने हैं। इसलिए जब कथा सुनो ना तभी हृदय हमारी भर जाती है, हृदय हमारी भर जाती है। इसलिए ये जो लीला स्थली है ना, ये जो लीला स्थली हरे कृष्ण जय गुरु वाले जो अभी अभी आ रहे हैं, इधर एक बात ध्यान देकर सुनो, इधर सुना ध्यान देकर के, जब परिक्रमा कर रहे हो ना, जहां पर ये भक्त लोग जा रहे हैं उसको पीछे 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 चलना। ऐसे नहीं बोले परिक्रमा करनी चाहिए, 21 परिक्रमा करना शुरू कर दिया और 108 परिक्रमा लगाकर काम करनी चाहिए, जल्दी आ गए हो। इसलिए आंखों से धाम नहीं देखते हैं, कानों से देखते हैं। जिधर वैष्णव लोग जा रहे हैं ना उसको पीछे पीछे जानी चाहिए, उनकी पीछे पीछे जानी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर अमार जैसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरि व अमी प्रणय भजन। धाम परिक्रमा कैसे करे? अगले अगले नहीं जाकर घूम घूम कर आगे पेड़ पौधा देख करके नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, रसिक प्रेमी के भक्तों के अनुगत्य में जाओ, वहां कथा सुनो बैठ के, कथा की कथा मत करे, दूसरे दूसरे परिक्रमा जाओ, दर्शन भागो हो गया, चलो 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 घूम करके आगे, बोले पूरा परिक्रमा कर लिए नहीं, हाथ पैर दर्द हो गया, पैसा खर्च करके चले आए। इसलिए कथा सुन जाकर थाम, आंखों से नहीं किसी दर्शन करनी चाहिए, कानों से दर्शन करनी चाहिए, ठीक है ना। जब परिक्रमा जाएगी अकेले के लिए नहीं, जिधर सब गए उधर जाना, ऐसे पीछे पीछे घूमते घूमते एक घंटा बाद में आ रहे हरे कृष्ण। देखो अभी आप लोगों ने श्रवण किया, प्रभु जी कथा सुना रहे थे, जब यहीं पर श्री राधा रानी बड़ी रो रही है कृष्ण विरह में, क्यों कृष्ण छोड़ करके चले गए, कृष्ण आ करके कृष्ण अपना निंदा कर रहे हैं, अपना निंदा कर रहे हैं, बोले कृष्ण बहुत बेकार आदमी है, मैंने एक बार नहीं कितना बार हमने देखा है तेरे को छोड़ करके चले गए और तू इतने रो रही थी, इतने रो रही, देखो अभी भी तेरे को छोड़ कर चले गए। अगर कृष्ण अगर सचमुच से प्रेम कर तेरे को छोड़ कर तू चले गए, तब राधा रानी प्रेम की महिमा बताई थी कि विरह और एक मिलन है। क्या होता है? मिलन से सामने सामने मिलते हैं, मिलन में सामने सामने मिलते हैं, लेकिन जो विरह है बहना सर्वत्र जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सोए। जैसे घर में जैसे पति पत्नी, पहले पत्नी कैसे लगती है? चंद्रमुखी, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में क्या सूरजमुखी, अरे वही सूरजमुखी बाद में ज्वालामुखी, फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, एक बोल दो दो बोल, लेकिन वही पति जब विदेश में रहता है ना, साल में दो साल में आ गए ना, कितना प्रेम है, कितना प्रेम खाते है, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाए। इसलिए जो कहते जो विरह है ना वो सर्वत्र स्फूर्ति, हर समय उनको चिंतन में डूबे रहते, वहां पर प्रेम की बड़ी अच्छी बात होता है। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो राधे तुम कहते हो कृष्ण तुमको प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है, मेरे को प्रमाण करके दिखाओ। तब राधा रानी कहती है, देखो अभी मैं इसका प्रमाण दिखाता हूँ, कृष्ण हृदय से बहुत मेरे को प्रेम करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखता है मेरे को छोड़कर चले। बोले प्रमाण किया? कृष्ण ने कहा, अगर तो कृष्ण को यहाँ प्रकट तो कर सकते? बोले हाँ कर सकती हूँ। बोले करके दिखा, होते मैं मानूंगी। तब राधा रानी यहीं पर बैठ करके कृष्ण के ध्यान में एकदम डूब गए। बोले हे श्याम सुंदर, हे हमारे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे प्राण प्यारे, ये जो श्यामा सखी मान नहीं रही है, आप मेरे को दिल से बहुत प्रेम करती हो, वो कहती है आपको प्रकट करो तभी मैं मानूंगी, इसलिए अगर आप सचमुच से मेरे को प्रेम करते हो आप यहाँ पर प्रकट हो। राधा रानी एकदम डूब गई कृष्ण चिंता में, यहीं पर जोगिनी बन करके उन्होंने समाधि की, समाधि की। तो इतने में कृष्ण स्वयं क्या किया, कृष्ण तो वो कृष्ण थे ना, वो श्यामा सखी रूप धारण किए थे, इतने में उन्होंने क्या किया, सारे जितना वस्त्र था ना सब फेंक दिया, वो कृष्ण थे ना ऊपर जो गोपी का सारे वस्त्र फेंक मार दिया, फेंक खा कर कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। और वो जोगिनी राधा रानी जब आंख खुली, देखा सामने कृष्ण, सामने कृष्ण, बोले वो सखी कहाँ गई, वो मान नहीं रही कि कृष्ण मेरे को प्रेम करते हैं, वो गई थी। कृष्ण बोले वो सखी और कोई नहीं, वो सखी मैं स्वयं। यहीं पर ब्रज गोपियां यहीं पर बैठी है, उन लोगों ने गोपी गीत गाए। बोले क्यों यहाँ पर कोई गोपी गीत गाए? जब कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण मिले नहीं, जब किसी तरह से नहीं मिले, इसलिए हमारे उपनिषद में एक श्लोक बताए, बोले न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मिथ्या न बहूनि, बोले भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? बोले न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य, भगवान को प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते हो, बुद्धि से नहीं, विद्वता से नहीं, कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब भगवान सही जाने जा रहे देह जाना है, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं।
लेकिन प्रश्न है वो मिलेंगे कैसे, वो मिलेंगे कैसे? कृष्ण स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठान नारद। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं, मैं योगियों का हृदय में नहीं, कहां पर बैठता हूं? मेरे भक्त लोग जहां पर मेरी कीर्तन करते हैं। इसलिए गोपियों बोले चलो हम ये यमुना किनारा में बैठ कर कीर्तन करेंगे। यमुना किनारा में बैठ कर कीर्तन करेंगे। बोले यमुना किनारा में क्यों बैठेंगे? बोले इसका एक कारण बताए, अगर अंदर में कीर्तन करेंगे ना इसका आवाज दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन खुली जगह में अगर कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, इसका आवाज बड़े दूर तक जाएगी। ये कारण है। दूसरा कारण बताइए, ये यमुना ये विशाखा ये अनुराधा है, ये कृष्ण रंग में ये काली है। जब तक ये यमुना की कृपा नहीं होगा ना तब तक कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे, तब तक कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे। छोटी स्टोरी सुनो। बोले एक समय श्री कृष्ण राधा रानी कृष्ण को कहती, बोले हे श्याम सुंदर मैं तो मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक दिन आप मान कर मैं आपको मनाऊंगी। कृष्ण बोले थोड़ी पुरुष लोग मान, मान तो स्त्रियां करती है और पुरुष लोग उनको मनाती है, पुरुष थोड़ी पुरुषों तो मान करते हैं। बोले एक बार मान करो ना, अगर मैं तो मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक बार आप मान करो मैं आपको मना करके देखती हूँ। इतने में बात श्याम सुंदर मान करके बैठी है, इतने में राधा रानी ने बड़ी कोशिश की मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी का कृष्ण का पानी नहीं उतर रहा है। देखो अगर सचमुच से कोई सोया हुआ व्यक्ति हो ना आप उसको जगा सकते हो, अगर वो जान बुझ कर तो सोए उसको जगा नहीं सकते हो। कोई मान का कारण हो तो कभी मान उतरेगा ना, ये तो कोई मान का कोई कारण है नहीं। जब किसी तरह से उसकी मान नहीं उतरी, इतने में तो राधा रानी बड़ी दुखी हो गई। तब यमुना को पास मिले, बोले ऐसे ऐसे बात, यमुना बोले भैया मैं तो चुटकी बजाते ही मान दूर कर दूंगी। बोले कर दोगे? बोले हाँ। बोले कैसे? इतने में ये यमुना उसका जो रंग काली है, यमुना का रंग काली है कृष्ण का रंग जैसे, इतने में यमुना देवी ने बड़ी सुंदर उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया, इतने सुंदर उन्होंने कृष्ण रूप धारण किया। देखना किसी लड़की को अगर लड़का बनाओ ना, देखो लड़के से भी ज्यादा सुंदर लगती है लड़कियां, तो सुंदर होती है लेकिन उनको बना दो तो लड़के से भी ज्यादा सुंदर लगती है। जब उन्होंने मोर मुकुट बंसुरी और बड़े सुंदर पीतांबर में लटकत झटक कर जब यमुना नदी आई, यमुना आई इतने में कृष्ण को देख देख कर दंग हो गए। बोले ये क्या है, ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर, क्या हम कभी चमच पुत्र हुए थे और मैया ने हमें ये बात बताई नहीं? कि जब कृष्ण जब यमुना ने कृष्ण रूप धारण करके आई ना, इतनी सुंदर थी जितने सखियां थी जो असली जो कृष्ण को छोड़ दिए और नकली कृष्ण को मुझे भाग दिए। अभी कृष्ण तो बैठे, बोले ये क्या हो गया, ये तो मेरे को छोड़कर नकली को पीछे भाग गए। इतने में कृष्ण जाकर बोले तुम कौन हो? बोले कृष्ण। इतने में राधा कृष्ण का जब मान है ना ये उतर गया, कृष्ण का मान उतर गया। इसलिए यमुना ने क्या की, राधा कृष्ण को उन्होंने जुगल मिलन कराया था, इनके जुगल मिलन कराया था। इसलिए बोले चलो यमुना किनारे में बैठ करके हम गोपी गीत गाएंगे। यहीं पर बैठ करके उन्होंने ये गोपी गीत गाए। ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, कहीं भी आप ये गोपी गीत गाओगे ना कृष्ण रह ही नहीं सकते हैं। हम इधर उधर को बहुत सारी स्तुति पढ़ते हैं लेकिन सब छोड़कर क्या गाओ, घर में गोपी गीत को गाओ। जिस घर में गोपी गीत गाओगे कृष्ण को वहां आना ही पड़ेगा कृष्ण को। यहीं पर जब गोपी गीत गाए, गोपी गीत गाने पर कृष्ण रह नहीं सके। बोले क्यों नहीं रह सके? लास्ट का जो श्लोक था इतने मार्मिक और इतने विरह और इतने पीड़ादायक श्लोक था, कृष्ण को रहा नहीं गया। वो श्लोक क्या है? बोले जते सुजात चरणा भूहम स्तनेषु, कहते हैं श्याम सुंदर तुम्हारे चरण कितने कोमल है, तुम्हारे चरण कितने कोमल है, इतने कोमल है हमारे बख्य स्थल ऊपर में हम रखने के लिए हमें कष्ट लगता है, इतने चरण कमल, लेकिन इस सुंदर चरण कमल को तो कहाँ बन बन में घूम रहे हो, कंकड़े तक कंकड़ कहाँ पर, कहाँ पर कांटा है, कितने तेरे को कष्ट नहीं होता होगा जिस कष्ट को सुनकर हमारा मन विदीर्ण हो रहा है। जब उन्होंने ये कहा ना कृष्ण को रहा नहीं गया, तो सुन करके कृष्ण यहाँ पर मन्मथ के मन्मथ रूप लेकर यहीं पर प्रकट हुए। प्रकट होने पर इतने में क्या हुआ, जब प्रकट हुए कुछ गोपियां तो आकर के कृष्ण का तांडुल मांगने लग गए, कृष्ण की दोपटा पकड़ लिए, किसी ने उनको गर्भहीनिया दे दिया। लेकिन कुछ गोपियों ने उनको पास में नहीं पड़ी, कुछ गोपियां दूर खड़ी हुई, लेकिन एक गोपिया जो थी
बड़ी दूर खड़ी होकर के बोले एका प्रकृति माबाद्या प्रेम संप्रित विहला। जो एक गोपी दूर खड़ी होकर के इतने क्रोधित होकर के जैसे तेज चितवन से तीर मारते ना कृष्ण को ऐसे टेढ़ी भौंहें करके देख रही थी, टेढ़ी भौंहें करके देख रही थी। देखो भागवत पढ़ो, कौन कौन गोपी ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जो टीकाकार श्री सनातन गोस्वामी ये सारी बात बता देती है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहती है देखो जो उनको चरण पकड़े जो गलवेहनिया दिए हैं जो तांबुल मांग रहे हैं इनको कौन बोले चंद्रावली की सखी। ये चंद्रावली ये होते हैं पिपक्ष जो कृष्ण पक्ष के बोले, लेकिन जो उभय पक्ष और राधारण के तरफ झुके हुए हैं कहती ये कौन बोले ललिता की सखा, वो दूर में खड़ी है वो पास में नहीं। लेकिन जो दूर में बड़ी क्रोधित होकर भ्रुकटी रहने से देख रही थी और कृष्ण का नजर और किसी का प्रति नहीं कृष्ण का बोले उसको प्रति देख रही थी, इसलिए वो कौन थी बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जो और जो दूसरी गोपियां पास में नहीं फटक रही वो कौन है बोले ये ललिता की सखा सखी। कहते इनकी भावना क्या कैसे हम जुगल मिलन कराए कृष्ण को साथ में मिलना नहीं चाहते हैं, कहना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली साधी सखीगर। ये देख रही थी क्या देख रही थी, भले तुम पाम पकड़ भले गलवेनिया तो भले तांबुल मारो लेकिन देखो देखो तो सही हमारे कृष्ण किसको तरफ में देख रही, किसको तरफ में जब से राधा रानी की तरफ में देख रही। मतलब क्या राधा जी का जो सौभाग्य है ये सौभाग्य और किसी को भी प्राप्त नहीं है, जो सौभाग्य श्री राधा रानी को प्राप्त है। इसलिए बड़ी खुश हो रही थी ललिता मिश्रा का, देखो हमारे श्याम सुंदर राधा जी को दर्शन कर रहे। यहीं पर श्याम सुंदर बैठ करके उन लोगों ने तरह तरह का प्रश्न किया, अरे सुंदर बा कहां गए, ये प्रसाद आ गया कहां है, उनसे पूछा गया कहां हरे कृष्णा। इसलिए कथा बहुत बाद हम सुनेंगे, सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए ये जो स्थान है यही गोपी गीत गाए, यहां पे चरण धुनी साधारण चरण धुनी नहीं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान, हम लोग बड़े सौभाग्यवान, हम सबके सब श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए हो। ये ब्रजमंडल 84 क्रोस है, कितना है इसका परिक्रमा सर्वप्रथम किसने किया था, ब्रह्मा जी, जब कृष्ण चरण में अपराध किया है ना ये अपराध से मुक्त होने के लिए उन्होंने 84 ब्रजमंडल परिक्रमा ब्रह्मा की। कहते हम लोग भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष्य जन्म हम कर रहे हैं, अगर कोई ये 84 क्रोस ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे ना फिर क्या होगा, उसको ये 84 लक्ष्य जो की जो भटक रहे हैं ये पूरा पूरा स्कीम बंद हो जाएगी, फिर 84 लक्ष्य जोड़ी में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। और नारद जी भगवान से वरदान लिया, क्या वरदान लिया, अगर कोई संतों की अनुगत में जाए, अकेले नहीं जाकर घूम कर आ गए पेड़ पौधा देख रहे थे, इसलिए संतों की अनुगत में जाए वहीं पर बैठ कर वहीं की कथा सुने वहां का धूल अपना शरीर में लगाए, एक दिन की जो लीला हृदय में प्रकाशित होगा और एक दिन हृदय पवित्र होगा और प्रभु की लीला हृदय में प्रकाशित होगी। इसलिए हम लोग भाग्यवान, जहाँ जाना ये नहीं सोचना अरे यहाँ पर धूल यहाँ पर साड़ी खराब हो जाएगी, नहीं यहाँ ब्रज रस पाने के लिए कहते बंगला में कीर्तन है, बोले धूला नहीं धूली नहीं गोपी पद रेणु जे रेणु देखे चिल नंद बेटा रखा, बोले धूला धूली नहीं जिसको कृष्ण स्वयं तिलक रूप में कृष्ण स्वयं ये ब्रज रज से नारद लेकर द्वारका में गए, भगवान को अभिषेक की गई, ये जो तिलक लगा रहे ना वही तिलक है भगवान जिसमें स्नान किया था, ब्रह्मा शंकर उद्धव भी जहाँ भी एक चरण की धूल के तरसते हैं वो स्थान, ठीक है ना, कल जब हम लौट बोल खाना लड़ा ले जाते हैं भैया माता जी कहते कथा में नींद आती है, किसने हमारे बड़े गुरु जी को पूछा बोले गुरु जी कथा में नींद आती है, गुरु जी ने कहा नोट लिखते समय में नींद आती है, कभी जब नोट लिखते होकर नींद आती है बोले क्यों, बोले नहीं उसमें तो नींद भाग जाती है हाथ में पकड़ते ना शरीर गर्म हो जाती है, इसलिए गुरुदेव कहते थे इसलिए नींद आती है, तुम नोट को इतना महत्व देते है ना भगवान कथा को भजन को इतना महत्व नहीं देते, इसलिए कथा में नींद आती है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन की हरि की जय। मैं जयपुर में भागवत कथा कर रहा था, आगे सारी महिलाएं बैठी थी सब सो गई, तो मैंने कल टॉपिक बदल दिया कि ब्रजवासियों ने भगवान के लिए भोजन में क्या बनाया, कढ़ी पकौड़े बनाए कैसे बनाए, मैं रेसिपी बता रहा हूं सब क्या खुल गई, आप
सब लोग प्रसाद ले लीजिए और यहाँ के जो महंत है वो एक अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि इस मंदिर का उन्होंने कुछ रिपेयरिंग और कुछ को करना है, तो अगर आप लोग कुछ कुछ सेवा में देना चाहें तो आप यहाँ पे डोनेशन बॉक्स में मंदिर की सेवा के लिए तो जरूर दे दीजिएगा। हरे कृष्णा। उठा 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 सनातन प्रभु नहीं मैं क्या करूँ प्रेम से सनातन बोलूंगा क्या दिक्कत क्या करना है बोलो श्री वंशी वट की जय। प्रभु जी इधर को प्रभु की भी कर रहे हो de que no